हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल लेट्स। रेसिप्रोकल लेट्स हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमें जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लेट्स वाइब्रेशंस में आगे के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ने हैं, वो इजीली समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊँगा कि लेट्स, रेसिप्रोकल लेट्स होता क्या है। रेसिप्रोकल लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था पी इवॉल्ड ने 1920 में। अगर हमें रेसिप्रोकल लेट्स समझना है तो हमें पता होना चाहिए रियल लेट्स क्या होता है। रियल लेट्स मतलब ब्रेवाइस लेट्स जो रहते हैं हमारे पास में, ठीक है, क्यूबिक वगैरह जो भी पढ़ते हैं हम, या मोनोक्लाइनिक वगैरह क्रिस्टल लेट्स जो रहते हैं, वो जो लेटिसेस हैं वो बोलते, उनको हम कहते हैं रियल लेट्स। मान लीजिए हमारे पास में एक क्यूबिक लेट्स, एक क्यूब बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, ये जो ये वाले ये लेट्स पॉइंट्स हैं, ठीक। इन लेट्स पॉइंट्स के बीच में जब मैं एटम्स बिठाता हूँ या इनके ऊपर पॉइंट्स डालता हूँ, ये सीट्स हैं एक्चुअली एटम्स के लिए, तो ये बन जाता है क्रिस्टल। इसको बोलूँगा लेट्स क्रिस्टल, ठीक है, ये लेट्स क्रिस्टल है। अब इस लेट्स क्रिस्टल में ये मैंने बनाया, ऐसे रफली क्यूबिक बनाया। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें छह फेसेस हैं, मतलब ये दो फेसेस हैं, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक, इस तरह से अपोजिट, मतलब उस साइड वाला फेस और ये फ्रंट वाला फेस, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, छह फेसेस हैं, ठीक है। अब ये वाला फेस अगर मैं लेता हूँ एच के एल प्लेन, ये वाला प्लेन लेता हूँ, ये जो फेस का प्लेन है, ठीक है, ये लेता हूँ, इसको मैं कहूँगा कि अगर आपको मालूम नहीं है एच के एल तो आप याद रखो ये है एच के एल, सपोज प्लेन है ये, तो ये भी एच के एल ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल फेसेस हैं, इसको बोलूँगा एच के एल, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की फेसेस के दरमियान, इसको बोलूँगा मैं डिस्टेंस बिटवीन एच के एल प्लेन्स, इसको बोलूँगा मैं डी एच के एल, ठीक है। ये हम क्रिस्टलोग्राफी में इस तरह पढ़ते हैं। अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, अगर जिसको मालूम नहीं है, जिसने ये नहीं पढ़ा है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट बायोलॉजी से आते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेके आते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स मालूम रहता है उनको और ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होती, ठीक, तो उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। अब ये जो हमने बनाया इसको मैं बोलूँगा कि ये लेटिस क्रिस्टल है, लेटिस क्रिस्टल, ये जो ये मैंने जो एटम्स बन बिठाए इन जगहों पे, लाइट्स पॉइंट्स पे, उसको मैं बोलूँगा बेसिस, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मैं अगर इस क्रिस्टल का ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लाइट्स बनाया, रियल लाइट्स, क्रिस्टल लाइट्स जो बनाया मैंने, इसका अगर मैं इनवर्स ले लूँ, अपोजिट ले लूँ, इनवर्स, यानी इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसका उल्टा लेंगे, मान लीजिए बॉक्स है, हमने खोल दिया इसको, उल्टा कर दिया बॉक्स का उल्टा, उसको मैं बोल सकता हूँ कि उल्टा बॉक्स या रेसिप्रोकल बॉक्स। इसी तरह से अगर मैं लेट्स का उल्टा बना दूँ, उसको बोल सकता हूँ मैं रेसिप्रोकल लेट्स। अब ये रेसिप्रोकल लेट्स कैसे बनाएंगे हम, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक रियल लेट्स है और ये ऐसी क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है, इसका हमें रेसिप्रोकल लेट्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले, हमें मालूम है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज़ डी एच के एल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। हम यहाँ पे कोई ऑर्बिटरी पॉइंट, सपोज यहाँ पे एक सेंटर में मैंने एक पॉइंट चूज किया, ये मैंने जस्ट एक पॉइंट लिया, आर्बिट्ररी पॉइंट, एक आर्बिट्ररी जगह मैंने डिसाइड की कि यहाँ से मैं लाइन्स खींचूँगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे इस फेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ये फेस है, मान लो ये फेस, ये जो है ना ये पेपर का फेस, इस अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूँ ऐसे अंदर, इसके अंदर डाल दूँ, उसको बोलूँगा मैं परपेंडिकुलर। अब ये फेस ऐसे है, आप ऐसे डाल रहे हैं लाइन इसमें से, इसको बोल सकता हूँ मैं ये परपेंडिकुलर लाइन, या ऐसे पेन जो दिख रहा है आपको, ठीक।
ठीक है, ये है परपेंडिकुलर लाइन। अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ बाहर लाइन खींचूँ, कितना खींचूँ, वो लाइन जो है ये बराबर होना चाहिए 1/DHKL, इनवर्स ऑफ DHKL, इसका उल्टा लेना हमें, ये जो डिस्टेंस है इसका उल्टा डिस्टेंस तक हमें इस पॉइंट से आगे लाइन खींचना है। फिर ऐसे ही इस फेस के ऊपर, ये जो फेस ऊपर वाला फेस, ये फेस ऐसे इस पॉइंट पे भी मैं लाइन खींचूंगा ऊपर ऐसे, ये भी कितना है DHKL। फिर इसके इस साइड में भी कितना DHKL, 1/DHKL, सॉरी, फिर यहाँ पे भी 1/DHKL, फिर ऐसे ही यहाँ सामने 1/DHKL और पीछे 1/DHKL, ठीक है। इस तरह से एक एरे ऑफ पॉइंट्स बनेगा, ठीक है, एरे ऑफ पॉइंट्स। ये जो एरे है, दिस एरे ऑफ पॉइंट्स, जो थ्री डायमेंशंस में तो मैं नहीं बना सकता, टू डायमेंशंस में मैंने बनाए, मान लीजिए एक और पॉइंट जो उसके अपोजिट फेस पे, वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ से यहाँ लाइन खींच रहा हूँ। अब ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, दिस एरिया ऑफ पॉइंट्स, जो इस DHKL के उल्टा लाइन खींचने से बन गया, या हर एक फेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींचने से बन गई, लेकिन वो लाइन कहाँ से लेनी है, ये जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक। दिस एरे ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड एरे ऑफ पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेट्स। समझ में आया, ये याद रखना है आपको। हमने एक क्रिस्टल बनाया, हमने एक लेट्स बनाया, उस लेट्स के सेंटर में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, उस पॉइंट से हमने बाहर की तरफ फेसेस के परपेंडिकुलर लाइन खींची हर एक फेस के ऊपर, और कितनी दूर खींची है लाइन, हमने सिर्फ उतना दूर खींचा कि ये इस DHKL जो है उसका इनवर्स के बराबर होना चाहिए लाइन। तो इस तरह से ये जो एरे बन गया, इसको हम बोलते हैं, ये है रेसिप्रोकल लेट्स। समझ में आया ना। और क्या ये रेसिप्रोकल लेट्स इमेजिनरी है कि रियल है, ये बिल्कुल इमेजिनरी है, क्योंकि ये रियलिटी में ऐसा लेट्स नहीं है। रियल लेट्स तो ये है, हमने इस रियल लेट्स का एक उल्टा इमेज अपने दिमाग में बना दिया, इसको मैं बोलूँगा कि ये इमेजिनरी है। क्या ये इमेजिनरी, या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये सीडो लेट्स है, सीडो लेट्स, राइट, सीडो लेट्स भी बोल सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको बोल सकता हूँ FT लेट्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स, ये बताऊँगा मैं ये क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेट्स, ठीक है। अगर हमें इसको समझना है तो मैं इसका तरीका आपको बताता हूँ। देखो, मान लीजिए हमारे पास में एक लेट्स है, ये है लेट्स, ठीक, ये रियल लेट्स, इसको बोलूँगा रियल लेट्स, ठीक। और इसमें जो लेट्स पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह है, ये इसके लेट्स पॉइंट्स, मतलब एटम्स है इसमें ये। जब मैं इसका एक्सरे करूँगा, क्या करूँगा, एक्सरे करने के बाद में मुझे स्क्रीन पे इसकी इमेजेस आएंगी, इनकी इमेजेस, लेकिन स्क्रीन पे जो इमेजेस आएंगी वो कुछ इस तरह आएंगी, वो मैं अलग कलर से दिखाऊंगा, वो कुछ इस तरह आएंगी, मतलब ये तो बड़ा है ना, ये बिल्कुल बड़ा है, ये बहुत दूर दूर है, ये लाइन जो यहाँ पे मैंने, सॉरी, ये पॉइंट्स जो है ये यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे मैंने नज़दीक नज़दीक बनाया, ये लेट्स है, रियल लेट्स, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के थ्रू जब मैंने एक्सरेज पास की, फिर उनको एक स्क्रीन पे डाला, फोटोग्राफिक प्लेट जिसको आप बोलते हैं, स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आपको ये इसके जो इमेजेस हैं वो इस तरह नज़र आएंगे,
एंड आपको यहाँ पे ये दूर दूर है, यहाँ पे लेके नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, तो ये स्क्रीन है। स्क्रीन स्क्रीन पे ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेट्स, रेसिप्रोकल लेट्स। इसको आप वापस में इन्वर्ट करो यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म करो तो आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्योंकि आप क्रिस्टल में तो घुस नहीं सकते। अब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से एक्सरे पास करो, उसका आप स्क्रीन पे रेसिप्रोकल लाइट्स जनरेट करो, रेसिप्रोकल लाइट्स को फिर बाद में आप वापस उल्टा करके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करके आप इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? तो याद रखना, अगर रियल लैटिस के जो पॉइंट्स हैं वो अगर दूर दूर हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये बड़े हैं, तो यहाँ स्क्रीन पे जो आपको पॉइंट्स नज़र आएंगी वो आपको नज़दीक नज़दीक नज़र आएंगे, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कम होगी। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस मतलब ज़्यादा आएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज़ ये हमारे पास में एक रियल क्रिस्टल, यहाँ पे पॉइंट्स नज़दीक नज़दीक है और आप इसका एक्सरे कर रहे हैं, तो एक्सरे करने के बाद में स्क्रीन में आपको ये पॉइंट्स दूर दूर नज़र आएंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल लाइट्स। तो समझ में आया, रेसिप्रोकल लाइट्स हमें कब मिलता है? ये मिलता है हमें एक्सरेज में। तो एक्सरेज को अगर हमें समझ, एक्सरे डिफ्रैक्शन को अगर हमें समझना है तो रेसिप्रोकल का नॉलेज होना चाहिए, और रेसिप्रोकल लाइट से हम रियल लाइट्स का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। समझ में आया ना? सो ये है रियल लाइट्स, ये है रेसिप्रोकल लाइट्स, प्रोकल यानी इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसको आप बोल सकते हैं। सो रेसिप्रोकल लाइट्स इज एक्चुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर? तो समझ में आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ब्रिलियंट जोन के बारे में, या जिसको आप कहते हैं ब्लाइंड जोन। ठीक, तो फिलहाल आप यहाँ तक ये समझ लो।